करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरव, हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल अस अबाउट द डिपार्टमेंट एंड द फैकल्टी मेंबर्स। Well, then the Department of Language, Art and Culture is introduced with a vision to help our young students of Himachal to prepare for government sector as well as the private sector. जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, दैट इज अ एवरग्रीन सब्जेक्ट, कभी भी अपडेट नहीं हुआ। और आज के सिनेरियो में ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो रुझान है, दे आर बेसिकली गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड दिस सब्जेक्ट्स अगेन। हाँ, कुछ समय पहले तक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बाकी सब्जेक्ट्स का था, लेकिन उसमें अब काफी हद तक एक हमें गैप देखने को मिल रहा है। सो विद दैट विजन, और साथ में जैसे कि हमारे विद्यार्थी मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रेफर करते हैं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो उस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमने ये जो डिपार्टमेंट और ये सब्जेक्ट्स ने लॉन्च किए। एंड रिगार्डिंग फैकल्टी मेंबर्स, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स इन आवर डिपार्टमेंट आर पीएचडी एंड सम आर इवन पोस्ट डॉक्टरेट। सो सर, आप क्या नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर? या वेल, वी आर इंट्रोड्यूसिंग बीए ऑनर्स, then MA in English Literature, then MA in Sociology, and MA in Psychology. Okay. So what do you think that why students should take these particular courses? Yeah, that's a nice question. तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो हमारे subjects हैं, पहली बात हमेशा से evergreen subject रहे, दूसरी बात government sector में जितने भी competitive exams हमारे होंगे, उन competitive exams में ये subjects कहीं ना कहीं base का काम करते हैं। अदर देन दैट, इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद हमारे जो विद्यार्थी हैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। एंड इफ स्टूडेंट्स गो फॉर दीज कोर्सेज, देन दे कैन हैव जॉब फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 1। ये सारे एरियाज कवर करता है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर? की फीचर्स, वेल, रिगार्डिंग की फीचर्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा डिपार्टमेंट बच्चों को अदर देन करिकुलम, क्योंकि करिकुलम तो हर जगह बताया जाता है, लेकिन अदर देन करिकुलम हम बच्चों के कुछ एक डिमांड्स के ऊपर और ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम की मैं बात करूँ तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट में प्रोविजन किया, दैट इज वीकली क्लासेस फॉर जनरल स्टडीज, जिसमें कि हम बच्चों की हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगेन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। अदर देन दैट, एक तो की फीचर हमारा आएगा वीकली क्लासेस फॉर जनरल स्टडीज, दूसरी की फीचर ये रहेगा कि आज के टाइम में हमारी डिमांड है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर आस्क फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर स्किल्ड पीपल, हु हैव गुड पर्सनालिटी एंड हु आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। सो कीपिंग इन व्यू दैट पर्टिकुलर डिमांड, हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, दैट इज प्रगति प्रोग्राम, और दैट प्रगति प्रोग्राम इज मेंट फॉर इम्पार्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी टू आवर स्टूडेंट्स, जो कि हमारे बच्चों के करिकुलम का एक पार्ट होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फीचर्स बच्चों को काफी हद तक अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। सो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट दिस कोर्सेज? करियर ऑप्शंस में सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्पल होगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम स्कूल्स और मैक्सिमम कॉलेजेस में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज है वो अभी भी पूरी नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर, स्कूल्स आर देयर, कॉलेजेस आर देयर, देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको सेग्रीगेट करके कहूँ, सो आई विल स्टार्ट विद एमए इंग्लिश फर्स्ट। तो एमए इंग्लिश में हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कॉलेज जॉब्स हैं, देन पब्लिक सेक्टर इज ऑलवेज ओपन फॉर देम। पब्लिक सेक्टर क्या है, देन सी, अब लिटरेचर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो आर इंटरेस्टेड इन ड्रामा, वो आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो वो एक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। थिएटर इज ऑलवेज ओपन फॉर देम। थिएटर के बारे में आपको मैं दो का नाम बताना चाहूँगा, जैसे धर्मशाला से हमारे पास एक्टर हैं, उनका भी रुझान जो था वो हमेशा से लिटरेचर में ही था और आज वे बहुत बड़े एक्टर के तौर पर अपना करियर बना रहे हैं। देन अदर देन दैट, इफ अवर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड राइटिंग, अगर लिटरेचर के स्टूडेंट्स राइटिंग में इंटरेस्टेड है, देन दे कैन गो फॉर नॉवेलिस्ट, एकेडमिक राइटर, वेब कंटेंट राइटर, देन रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स। जैसे कि न्यूज एंकर्स को अगर आप करना चाहते हो, देन यू नीड स्किल्स एंड गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, जो कि हम लोगों की बच्चों के इस डिमांड के ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लिटरेचर के बच्चे जो हैं, दे कैन इवन गो फॉर आरजे, दैट इज वीडियो जॉकिंग, फ्रीलांसिंग, जो कि मैं कहना चाहूँगा। सो ये रहा हमारा एनएमएस रिलेटेड। देन अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ,
तो सोशियोलॉजी में अगेन गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑलवेज ओपन, गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन सेक्टर इज देयर, देन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें भी सोशियोलॉजी के लोगों का बहुत काम रहता है. देन इंटरनेशनल फर्म्स, एडवर्टीजमेंट फर्म्स, जैसे कि आज के टाइम में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स बन रही हैं उससे पहले सोशल स्टेटस का और सोशल बैकग्राउंड एक सर्वे किया है और उस सर्वे में हमारे सोशियोलॉजी के लोग बहुत काम करते हैं. Then, if sociology students are interested for working for people, then they can go with NGOs. हमारे पास आज के टाइम में बहुत ही ऐसे NGOs हैं, वो really very successful. Then NGOs are another option for them. International organizations, I just told you about it. Apart from that, students can go for advertisement firms, law firms, and local development. उसमें भी काम कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें psychology की, तो again, psychology starts with government sector. गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप बहुत ब्राइट स्कोप है. देन साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर्स. और इन काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट का जो स्कोप है दैट इज ओपन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. हाँ, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो वो ज़्यादा कमा सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक पर्सनली बात करूँ तो आज के टाइम में हमारी यंग जनरेशन की कई प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. और उस काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन दे चार्ज 5 to 20,000 रुपीस पर सेशंस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. देन अदर देन दैट दे कैन गो फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, रिसर्च सेक्टर इज अगेन देयर. हाँ, रिसर्च के बारे में मैं आपको जो बताऊँ वो तीनों फील्ड्स के लिए ओपन है. देन एडवर्टीजमेंट फर्म्स आर देयर, लॉ फर्म्स, फाइनेंस कंपनीज. सो दीज आर द करियर स्कोप्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, विच इज वेरी अप्रिशिएबल एंड आई होप इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन. एंड थैंक यू सो मच सर, वी अप्रिशिएट योर टाइम. एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर के अंडर कोर्सेज ऑप्ट करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव था. सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच.